गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कुछ फ्रेजेस यानी सम इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस एंड वर्ड्स, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वाक्यांश और शब्दों के विषय में, उसके हिंदी और अंग्रेजी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमें अनुवाद करते समय बार बार उनकी उपयोगिता होती है। यहाँ पर 14वें नंबर के हेडिंग में जानवरों को लेकर कुछ अलंकारिक उक्तियां भी अंग्रेजी में प्रचलित हैं, यानी इंग्लिश के अंतर्गत जानवरों से संबंधित कुछ उक्तियां भी प्रचलित हैं जिनको यहाँ दिया गया है। पहला है एक क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स को तो झूठे आंसू, घड़ियालू आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स घड़ियाली आंसू, झूठे आंसू। डर्ट चीप बहुत सस्ता, डर्ट चीप का मतलब बहुत सस्ता। ए हॉर्स लाफ ऊंची भद्दी हंसी की आवाज, यानी ऊंची आवाज में भद्दी आवाज में हंसी को हार्स लाफ बोलते हैं। हैंड पैक्ड का मतलब जोरू का गुलाम, हैंड पैक्ड जोरू का गुलाम। पिग हेडेड मूर्ख और जड़, पिग हेडेड मूर्ख और जड़। चिकन हार्टेड डरपोक। यह कुछ जानवरों से संबंधित उक्तियां थी जो आपको यहाँ प्रदर्शित की गई। अब आइए 15 नंबर पर, राष्ट्रीयता बताने वाले शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनसे राष्ट्रीयता का पता चलता, वर्ड डिनोटिंग नेशनलिटी राष्ट्रीयता बताने वाले शब्द। नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता। यहां कंट्री लिस्ट डाली गई है देश का नाम, और इनहेबिटेंट्स और वहां के निवासियों को क्या कहते हैं। इनहेबिटेंट्स मतलब निवासी, यानी देश, किस देश के निवासियों को क्या कहते हैं। यहां सूची दी गई है, अमेरिका में रहने वाले लोगों को अमेरिकन कहते हैं, AMERICAN अमेरिकन, अमेरिकन उसमें यन देख रहे हैं बड़ा हुआ है, यानी अमेरिका में रहने वाले निवासियों को, इनहेबिटेंट्स को अमेरिकन कहते हैं। दूसरा है अर्जेंटीना, वहां के निवासियों को अर्जेंटाइन कहते हैं, अर्जेंटाइन, यानी अर्जेंटीना में रहने वाले लोगों को अर्जेंटाइन कहते हैं। तीसरा है BELGIUM बेल्जियम देश का नाम है, BELGIUM बेल्जियम, और बेल्जियम के रहने वाले को बेल्जियन कहते हैं, BELGIAN बेल्जियम। देखिए BELGIUM बेल्जियम हो गया, देश हो गया, और वहां के रहने वालों की स्पेलिंग बदल दी गई है, BELGIAN किया गया बेल्जियम, यानी वहां के रहने वाले निवासियों को बेल्जियन कहते हैं। चौथा है BHUTAN भूटान, BHUTAN भूटान, और वहां के रहने वाले लोगों को भूटानीज बोलते हैं, BHUTA
NESE भूटानीज यानी भूटान के रहने वालों को BHUTANESE भूटानीज कहते हैं। अब आइए पांचवे नंबर पर बर्मा BURMA बर्मा और बर्मा में रहने वाले लोगों को कहते हैं बर्मीज BURMESE बर्मीज यानी बर्मा बर्मा में रहने वाले इनहैबिटेंट्स को यानी वहां के निवासियों को कहते हैं बर्मीज। अगला छठे नंबर पर है कनाडा सारे यहां छूटा हुआ है कनाडा CANADA कनाडा में रहने वाले निवासियों की इनहैबिटेंट्स को कनेडियन कहते हैं CANADIAN कनेडियन कनाडा CANADA कनाडा में रहने वाले लोगों को कनेडियन कहते हैं CANADIAN कनेडियन। फिर इधर की सातवें नंबर पर है सिरोन CEYLON CEYLON सिरोन सिरोन को सिरोनीज कहते हैं CELONESE यानी सिरोन में रहने वाले लोगों को सिरोनी CEYLONESE। अब आइए चाइना CHINA चाइना चाइना में रहने वाले को चाइनीज कहते हैं CHINESE चाइना चाइना में रहने वाले लोगों को चाइनीज कहते हैं CHINESE चाइनीज। इजिप्ट EGYPT इजिप्ट मतलब इजिप्शियन इजिप्ट में रहने वाले लोगों को इजिप्टियन कहते हैं EGYPTIAN इजिप्शियन इजिप्शियन। दसवां है इंग्लैंड ENGLAND इंग्लैंड के रहने वाले लोगों को इंग्लिश कहते हैं इंग्लैंड के रहने वाले लोगों को इंग्लिश कहते हैं। यहां ध्यान देंगे कि जब आप दे इंग्लिश लगाएंगे तब अंग्रेज लोग हो जाएंगे इसलिए वहां के भाषा का नाम भी इंग्लिश है तो दे इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग वहां के निवासी और केवल इंग्लिश रहेगा तो अंग्रेजी भाषा हो जाएगी। वैसे ही फ्रांस FRANCE फ्रांस फ्रांस में रहने वाले को फ्रेंच बोलते हैं FRENCH फ्रांस में रहने वाले इनहैबिटेंट्स को यानी वहां के निवासियों को फ्रेंच बोलते हैं FRENCH। और बारहवां है ग्रीस GREECE ग्रीस यानी यूनान तो ग्रीस में रहने वाले लोगों को ग्रीक कहते हैं GREEK ग्रीक। और उसके बाद है फिर तेरहवें नंबर पर इंडिया इंडिया के जानते हैं इंडियन कहा जाता है इंडिया वाले को इंडियन। इराक IRAQ इराक को इराकी बोलते हैं IRAQI इज़राइल ISRAEL इज़राइल को इज़राइली ISRAEL इज़राइली। अब आइए 16वें नंबर पर आयरलैंड ARELAND आयरलैंड आयरिश IRISH आयरिश कुवैत KUWAIT कुवैत कुवैती कुवैत का कुवैती KUWAIATI कुवैती। मलाया MALAYA मलाया मलाया में रहने वाले लोगों को यानी मलाया में जो रहते हैं वहां के लोगों को
मलेयन बोलते हैं, MALAYAN, मलेयन, मलाया में रहने वाले लोगों को मलेयन कहते हैं। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, ITI कुवैती, मलायम है मलायम। उसके बाद मोरक्को, MOROCCO, मोरक्को, MOROCCO, मोरक्को को मोरक्कियन कहते हैं, मोरक्कन कहते हैं, MOROCCAN, मोरक्कन। 19वां नेपाल को नेपालीज, नेपाल को नेपालीज। पाकिस्तान में पाकिस्तानी, पाकिस्तान वालों को पाकिस्तानी कहते हैं। पोलैंड को पोल कहते हैं, POLLANDी, पोलैंड में रहने वालों को पोल कहते हैं। रसिया, RUSSIA, रसिया को रशियन, RUSSIAN। यहाँ स्वीडन, SWEDEN, स्वीडन में रहने वालों को स्वीड कहते हैं, SWEDE, स्वीडन में रहने वालों को स्वीड कहते हैं। टर्की, TURKEY, टर्की में रहने वाले को टर्क कहते हैं, TURK। यूगोस्लाविया, YUGOSLAVIA, यूगोस्लाविया को यूगोस्लाव कहते हैं। अब आइए लास्ट में 16वें नंबर पर, शरीर के अंग यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी। अक्लदार, डेंस, सीरोटिनस, डेंस सीरोटिनस यानी सबसे बगल वाले चारों कोनों के दांतों को जो 17-18 वर्ष की उम्र में उगते हैं उसको अक्लदार बोलते हैं, यानी मुंह के चारों कोनों पर जबड़ों के में सबसे अंत में निकलने वाले दाल को, दाल को यानी दांत को अक्लदार कहते हैं। यह 17-18 वर्ष की उम्र में सबसे बाद में यही निकलता है। अनामिका, रिंग फिंगर, अनामिका रिंग फिंगर। अंगुली, पैर की फिंगर। अंगूठा, थम, अंगूठा थम। आंख, आई, आंत। अतड़ी को इंटेस्टाइन कहते हैं, अतड़ी को इंटेस्टाइन कहते हैं। उपास्थि, कार्टिलेज यानी मुलायम जो हड्डियां होती हैं वो कार्टिलेज होता है, उपास्थि। होठ, लिप। एड़ी, हील, SEEL। कंधा, सोल्जर, SHOULDER, कंधे को सोल्जर कहते हैं। कनपट्टी, टेम्बल, कनपट्टी, टेम्बल। कमर, वेस्ट, WAIST, कमर को वेस्ट। कर्णपटल, ईयर ड्रम, कर्णपटल को ईयर ड्रम। कलाई, रिस्ट, WRIST, कलाई, रिस्ट। कान, ईयर, EAR, कान, ईयर। 16वां, कानी अंगुली, लिटिल फिंगर, कानी अंगुली, लिटिल फिंगर। 17, कांख या बगल, आर्म पिट, कांख या बगल, आर्म पिट। कुहनी, एल्बो, कुहनी, एल्बो। खोपड़ी, स्कल, खोपड़ी, स्कल। गर्दन या ग्रीवा, नेक, गर्दन या ग्रीवा, नेक। गर्भाशय, WOMB पढ़ते हैं, यानी गर्भाशय को कहते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कुछ उपयोगी वाक्यांश यानी फ्रेज और शब्दों के विषय में आपने जानकारी प्राप्त की। थैंक यू।